लास्ट वीडियो में हमने प्लांट में जो सूक्ष्म पोषक तत्व थे उनके प्रमुख कार्य कंप्लीट कर चुके थे। आज हम पढ़ने वाले हैं एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन प्रणाली, यानी कि इसको हम इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट सिस्टम भी बोलते हैं। क्या होता है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि एक ऐसी प्रणाली है ये जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, प्लांट न्यूट्रिएंट को मैनेज करते हैं, है ना। ठीक है, प्लांट न्यूट्रिएंट को मैनेज करते हैं, किस प्रकार से हम पौधों को प्लांट न्यूट्रिएंट्स देते हैं, उनका क्या मैनेजमेंट होता है वो यहाँ पर हम, और उनके क्या महत्व होते हैं, कौन कौन से प्रमुख घटक होते हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है उसमें हम क्या कर रहे हैं, जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका मैनेजमेंट करेंगे। यानी कि मैनेजमेंट से तात्पर्य होता है या हम उसको क्या है, एक लिमिटेड अमाउंट में पौधों को उपलब्ध कराते हैं, जिससे कि क्या होगा कि जो भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो भी नष्ट ना हो और पौधे को पर्याप्त मात्रा में प्लांट न्यूट्रिएंट्स पहुंच जाए। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम जो एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन जो प्रणाली है इसके अंतर्गत फसल उत्पादन के लिए, किसके लिए, फसलों का उत्पादन प्राप्त करने के लिए, यानी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फसल उत्पादन किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, किस अमाउंट में हमको रासायनिक पदार्थ देना चाहिए, ठीक है, रासायनिक उर्वरक पौधे को अवेलेबल करवाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, इस प्रणाली के अंतर्गत हम देखते हैं कि फसल उत्पादन के लिए रासायनिक उर्वरक क्या है, रासायनिक पदार्थ या फिर रासायनिक उर्वरकों का हम क्या करते हैं, कम से कम क्या है, कम से कम प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस प्रणाली के अंतर्गत कम है क्या है कि जो रासायनिक पदार्थ होते हैं जिन्हें हम कारखानों में निर्मित करते हैं उनको हम कम से कम प्रयोग करते हैं। प्रयोग तो करते हैं पर कितना करते हैं, कम से कम करते हैं, कोशिश करते हैं हम कि ज़्यादा मात्रा में हम इसका यूज ना करें। ठीक है, उनके साथ ही साथ हम क्या करते हैं, कार्बनिक एवं जो जैविक पदार्थ होते हैं या फिर जैविक उर्वरक होते हैं, कार्बनिक पदार्थ यानी कि हमने FYM देखा था, कंपोस्ट देखा था, वर्मी कंपोस्टिंग देखी। ठीक है, तो ये जो क्या है, इनसे जो निर्मित पदार्थ होते हैं वो क्या है, कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि केमिकल मुक्त होते हैं, किसी प्रकार का रासायनिक नहीं होता है उनके अंतर्गत। जिनमें रासायनिक पदार्थ नहीं हो उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बनिक बोलते हैं या फिर जैविक उर्वरक भी बोलते हैं। जैविक उर्वरक में भी क्या है, केमिकल प्रेजेंस नहीं होता है बट ये एक प्रकार के उर्वरक होते हैं, क्लियर है। उसके बाद में अब इनका उपयोग हम क्या करते हैं, अधिक किया जाता है, यानी कि जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उनका कम से कम उपयोग करते हैं, उन्हीं के साथ साथ क्या करते हैं कि जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं या फिर जैव उर्वरक होते हैं उनका हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि इनका उपयोग करने से हमारी जो भूमि की फर्टिलिटी है, ठीक है, यानी कि जो उसकी उर्वरक क्षमता होती है वो बने रहती है। ज़्यादा मात्रा में यदि हम रासायनिक पदार्थों का उपयोग करेंगे तो हमारी भूमि बंजर हो जाएगी। शुरुआती दौर में तो ज़्यादा फर्टिलाइजर देने से उत्पादन बढ़ेगा। हम फर्टिलाइजर का उपयोग क्यों करते हैं, रासायनिक पदार्थों का उपयोग क्यों करते हैं, कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें उत्पादन प्राप्त हो। तो एक निश्चित अवधि तक तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होगा बट एक ऐसी कंडीशन, कुछ वर्षों में एक ऐसी कंडीशन बन जाएगी कि हमारी जो भूमि होगी वो ज़्यादा उत्पादन नहीं दे पाएगी। तो यदि ज़्यादा उत्पादन नहीं दे पाएगी तो हम क्या करेंगे, उस भूमि को सुधार करेंगे, उसमें उसको हमें बंजर नहीं बनने देना है। तो यदि हम जैसे कि रासायनिक पदार्थ का उपयोग कर रहे हैं तो उसके साथ साथ में हमें क्या करना पड़ेगा, इन जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं या फिर जो जैव उर्वरक होते हैं उनका हमें प्रयोग करना पड़ेगा रासायनिक खाद के साथ साथ। बट रासायनिक खाद का हमें कम से कम प्रयोग करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इन जैव उर्वरक और कार्बनिक पदार्थ का उपयोग अधिक किया जाता है जिससे उनकी क्या होती है, दक्षता बढ़ती है। यानी कि जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं या फिर जैव उर्वरक होते हैं उनकी इफिशियंसी पौधों में बढ़ जाती है या फिर मध्यम मृदा में उनकी पर्याप्त मात्रा उपलब्ध हो पाती है। ठीक है, अब ये जो इफिशियंसी वृद्धि हो, ठीक है, वृद्धि और जो भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहे जिससे क्या होगा, यानी कि यदि मान लो उनकी दक्षता में वृद्धि होती हो, है ना, दक्षता यानी कि इफिशियंसी, किसी भी तत्व को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसकी बात कर रहे हैं हम, उनमें वृद्धि हो पौधों में,
ठीक। उसके बाद भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहे, यानी कि वही फर्टिलिटी उसकी बनी रहे, ठीक, ताकि जब भी हम फसल को लगाएं तो हमें पर्याप्त मात्रा में उत्पादन प्राप्त हो। और इसके बाद में जिससे क्या होता है, यदि हम जैविक पदार्थों का उपयोग करते हैं, जैविक उर्वरकों का उपयोग करते हैं या फिर कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं, तो मृदा स्वस्थ रहती हो, ठीक है। उससे क्या होगा कि जो कि मृदा स्वस्थ रहती है और उपजाऊ भी, उपजाऊपन भी जो भूमि का है वो कभी कम नहीं होता है, है ना, यानी कि उसमें उपजाऊपन भी बना रहे और उसके साथ साथ पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। क्या है, पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। तो यदि हम ज़्यादा मात्रा में रासायनिक पदार्थों का उपयोग करेंगे तो पर्यावरण भी दूषित होगा, जिससे हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, उसमें हम क्या करते हैं, रासायनिक पदार्थों के साथ साथ में कार्बनिक पदार्थ या फिर जैव उर्वरकों का भी उपयोग करते हैं, जिससे उनका बैलेंस बना रहे और हमारी बंजर, हमारी भूमि जो है वो बंजर भी ना हो और पर्याप्त मात्रा में हमें उत्पादन प्राप्त हो। तो इस प्रकार से हम न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ बच्चों, हम कार्बनिक पदार्थों के साथ साथ भी हम फसल चक्र को अपना करके भी एकीकृत पोषण तत्व का जो प्रबंधन प्रणाली है उसको फॉलो कर सकते हैं, यानी कि उसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, फसल चक्र को भी अपनाते हैं, यानी कि जैसे कई दलहनी फसलों के साथ में अदलहनी फसलों को लगाकर भी के भी हम न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट कर सकते हैं। देन उसके बाद में कम पानी चाहने वाली फसलों के साथ के बाद में अधिक पानी चाहने वाली फसलें भी लगा सकते हैं, कम रासायनिक खाद की, यानी कि या अपन कह सकते हैं कम खाद चाहने वाली फसलों के बाद में अधिक खाद चाहने वाली फसलों का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो होता है वो पूरा जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत आता है कि हम किस प्रकार से हमारी फसलों से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं, वो भी किस बेस पे, पौधों का न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट करके। तो बच्चों यहाँ पर ये सिंपल सी डेफिनेशन है जो कि एकीकृत पोषण तत्व प्रबंधन के को आपको समझाने के लिए काफ़ी है, अच्छे से आपको समझ में भी आ चुका होगा, ठीक है। अब हम इसके एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन प्रणाली के हम महत्व देखने वाले हैं, महत्व क्या क्या, क्या क्या महत्व होता है, यानी कि इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट सिस्टम के क्या इम्पोर्टेंस होते हैं, हम किस लिए एकीकृत पादप पोषण प्रबंधन को यूज़ करते हैं या फिर इसका इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट हमारा आता है मृदा उत्पादकता में वृद्धि करना। क्या है बच्चों, मृदा उत्पादकता में वृद्धि करना। तो जिस प्रकार से हम रासायनिक उर्वरकों के साथ साथ में क्या है, रासायनिक उर्वरकों का कम मात्रा में उपयोग करते हैं, तो रासायनिक उर्वरकों के साथ साथ में हम क्या है, कार्बनिक एवं जैविक उर्वरकों का भी उपयोग करते हैं, ठीक है। तो जिससे क्या है, मृदा की उत्पादकता में भी वृद्धि होती है, यानी कि मृदा की उत्पादकता, यानी कि मृदा के उत्पादन करने की जो क्षमता होती है उसमें भी वृद्धि होती है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। बच्चों सेकंड पॉइंट देखते हैं, मृदा में पोषक तत्वों का संतुलन बनाए रखना, यानी कि जो मृदा के अंदर पोषक तत्व है वो कभी नष्ट ना हो पाए, ठीक है, उनका जो संतुलन होता है पर्याप्त मात्रा में बना रहे, पोषक तत्व मृदा में पर्याप्त मात्रा में बने रहें, इसलिए हम क्या है, इनका जो है मैनेजमेंट करके, न्यूट्रिएंट्स का मैनेजमेंट करके हम भूमि में अवेलेबल करवाते हैं, जिससे प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट हमारा आता है सूक्ष्म जैविक क्रियाओं में वृद्धि करना। तो बच्चों जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यदि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करेंगे तो भूमि के अंदर पाए जाने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि लाभदायक होते हैं कृषि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यदि मान लो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करेंगे तो बच्चों जो जीव हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, वो वहाँ पर मर जाएंगे। यदि वो मर जाते हैं तो जो सूक्ष्म जैविक क्रियाएँ जो भूमि के अंदर होती हैं उनमें कमी आ जाएगी, जिसके कारण से क्या है कि पौधे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हमें नहीं दे पाएंगे, हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सूक्ष्म जैविक क्रियाओं के लिए भी क्या है, एकीकृत पादप पोषण प्रबंधन अवश्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि भूमि की जल धारण क्षमता में वृद्धि करना। यदि पर्याप्त मात्रा में कार्बनिक पदार्थ भूमि में उपलब्ध रहेंगे तो क्या है कि जो भूमि के अंदर जो जल धारण क्षमता है उसमें अधिक वृद्धि होती है। यदि हम ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइज़र या फिर रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो भूमि क्या है,
कड़क हो जाएगी, जिसके कारण क्या है भूमि के अंदर वाटर एब्जॉर्ब करने की क्षमता क्या होती है कम हो जाती है, जिससे क्या होगा कि ऊपरी सरफेस से पानी ज़्यादा बह करके जब मतलब खेत से बाहर या फिर भूमि से आगे नदी नालों के थ्रू से समुद्र में चला जाएगा, जिससे क्या होता है कि हमारे जो ज़मीन के अंदर वाटर लेवल है वो गिर जाता है। यानी कि जब ज़मीन के अंदर वाटर जाएगा तभी तो वहाँ का जो वाटर लेवल है वो ऊँचा उठेगा, जिससे भी क्या है कि जल धारण क्षमता यानी कि भूमि के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है कम हो जाती है। तो उन वृद्धि जो जल धारण क्षमता है उसकी वृद्धि करना ही क्या होता है एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन प्रणाली का मेन उद्देश्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम से कम करना, यानी कि हमारा पोषक तत्वों का जो मैनेजमेंट कर रहे हैं उसमें क्या है हमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग क्या है कम से कम करना है। ज़्यादा मात्रा में यदि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करेंगे तो वो पर्यावरण की दृष्टि से भी हानिकारक होता है और हमें भी विभिन्न प्रकार के रोग के लिए जिम्मेदार होता है। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग जो है कि कम से कम करना है। कम से कम कम प्रयोग करेंगे तो जो मृदा की उर्वरकता है वो बनी रहेगी। ठीक है, और यदि उर्वरकता अच्छे से भूमि की उर्वरकता बनी रहेगी तो क्या होगा हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारे जो है महत्व वो कंप्लीट होते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन के जो प्रमुख घटक होते हैं कि किन किन के द्वारा हम क्या करते हैं इस एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन का तत्व का क्या है प्रबंधन करते हैं, यानी कि उस सिस्टम प्रणाली को हम क्या करते हैं इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन के प्रमुख घटक दे रखे हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो प्रमुख घटक है हमने बताया कि जो रासायनिक उर्वरक होते हैं वो होते हैं प्रमुख घटक, यानी कि जो रासायनिक उर्वरक होते हैं उनका हमें कम से कम उपयोग करना है। ठीक है, कुछ मात्रा में हम यूज़ कर सकते हैं लेकिन उनके साथ में हमें क्या है कार्बनिक या फिर जैव उर्वरकों का भी उपयोग करना है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, अब सेकेंड जो प्रमुख घटक आता है उसमें आता है जैविक अथवा कार्बनिक खादें, यानी कि जो जैविक अथवा कार्बनिक खादें यानी कि जो कार्बनिक पदार्थ से निर्मित जो खाद होती है उसी को हम क्या कहते हैं कार्बनिक खादें कहते हैं, जिसके अंतर्गत FYM आता है। बच्चों क्या आता है FYM यानी कि इसको क्या बोलते हैं हम फार्म यार्ड मेन्यूर, ये भी एक कार्बनिक खाद और जैविक खाद के अंतर्गत आती है, इसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल नहीं होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है हमारा पादप अथवा जंतु अवशेष, यानी कि जो पादपों से और जंतुओं से जो अवशेष प्राप्त होते हैं वो भी क्या है प्रमुख घटक के रूप में ही यहाँ पर यूज़ होते हैं, यानी कि पादप अवशेष क्या होते हैं यानी कि पौधों से जो प्राप्त होने वाले जो अवशेष होते हैं, जैसे कि मान लीजिए पत्तियां पौधे की जो पत्तियां हैं या फिर किसी प्रकार की फसल है तो फसल के स्टेम हो सकते हैं। ठीक है, उनकी लीफ हो सकती है, तो उनको भी क्या है हम जैविक पदार्थ या फिर पादप पोषण जो या और उसके बाद में बात करें तो जंतु अवशेष के नज़रिए से देखा जाए तो जो मल मूत्र होते हैं उनका भी हम इसमें उपयोग करते हैं, जिनसे भूमि की फर्टिलिटी या फिर भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है। ठीक है, लास्ट में हम देखते हैं जैविक उर्वरक, तो इसका प्रमुख घटक और क्या हो सकता है, तो बच्चों जैविक उर्वरक होते हैं यानी कि एक जैविक खाद या फिर जैविक जो हम बात करें तो जैविक खाद अलग बात हो जाती है और जैविक उर्वरक अलग चीज़ हो जाती है। ये उर्वरक के अंतर्गत आते हैं, उर्वरक दो प्रकार के होते हैं जो कि जिसको हम अजैविक पदार्थ भी बोलते हैं जैसे कि रासायनिक पदार्थ, तो जो उर्वरक होते हैं वो रासायनिक उर्वरक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और उसके बाद में जो जैसे DAP है यूरिया है वो क्या है कि वो रासायनिक उर्वरक के अंतर्गत आएंगे, और जैव उर्वरक के अंतर्गत राइजोबियम एजोटोबैक्टर ब्लू ग्रीन एल्गी एजोस्पाइरिलम ये सब चीज़ क्या है ये जैव उर्वरक के अंतर्गत आते हैं। तो इसके जो प्रमुख घटक में क्या है जैव उर्वरक भी इंक्लूड है, जिसके अंतर्गत जैव उर्वरक में कौन कौन से हैं राइजोबियम है एजोटोबैक्टर है ब्लू ग्रीन एल्गी है उसके बाद में एजोला है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें जो इसके किसके एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन के प्रमुख घटक होते हैं जिनका क्या है हम
जो है संतुलित अनुपात में इनका उपयोग करते हैं, जिससे पौधों से ज़्यादा मात्रा में हमें उत्पादन प्राप्त हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त यहाँ पर फसलों का उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, हम जो है एकीकृत पोषक तत्वों का मैनेजमेंट करते हैं, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करते हैं, है ना। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस प्रकार से ये वीडियो हमारा कंप्लीट हो जाता है बच्चों। थैंक यू।